नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइड को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सूचना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो जातक और जातिका धनु लग्न के हैं तो उनके मुख्य ग्रह कौन सा हो सकता है, साथ में उनके इष्ट देव कौन से हो सकते हैं तथा उनके कौन से वर्ष हैं जो उनके भाग्यशाली हो सकते हैं। तो ये सबकी जानकारी के देने के लिए हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि वर्ष धनु लग्न का जातक है तो इसके जो मुख्य ग्रह बनेगा यहाँ पे धनु राशि का जो स्वामी बनता है गुरु, तो आपका गुरु ग्रह है वो आपका मुख्य ग्रह है। इसको मजबूत करने के लिए इनके मंत्रों के गुरु के मंत्रों के जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि आपका मुख्य ग्रह मजबूत हो सके। उसके बाद में आप पंचम भाव में जाएंगे तो वहाँ एक नंबर की जो राशि है वो मेष राशि है, उसके स्वामी बनते हैं मंगल। तो यहाँ पे इष्ट देव आपके हो जाएंगे हनुमान जी, तो आपको हनुमान जी की हमेशा आराधना करना चाहिए, उनके मंत्रों के जाप करना चाहिए, उनके पूजा पाठ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि धनु लग्न के जो जातक हैं उनको आपके जो भाग्यशाली वर्ष धनु लग्न के जातक के 16वां वर्ष होता है, उसके पश्चात 22वां वर्ष होता है और फिर 32वां वर्ष होता है। इन वर्षों में आपका भाग्य आपको भाग्य साथ देता है, ये भाग्यशाली वर्ष कहलाते हैं। फिर से आपको बताएं कि 16वां वर्ष, 22वां और 32वां वर्ष आपके भाग्यशाली वर्ष होंगे। आपके जो मुख्य ग्रह हमने बताया कि आपके 9 नंबर की जो राशि है उसके स्वामी गुरु बनते हैं, तो आपके गुरु गुरु ग्रह जो है मुख्य ग्रह है, इसको आपको हमेशा मजबूत करना चाहिए, इसलिए गुरु के मंत्रों के जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए। उसके पश्चात आपने बताया कि आपका जो पंचम भाव है यहाँ से इष्ट देवता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे एक नंबर की जो मेष राशि है उनके जो स्वामी मंगल बनते हैं, तो आपके जो इष्ट देव हैं हनुमान जी होंगे, तो हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। इस तरह से प्रार्थना करने से अपने कार्य सफल होते हैं, आपके भाग्योदय वर्ष जो है हमने बताया धनु लग्न के जो जातक है उनका 16वां वर्ष भाग्योदय का वर्ष है, उसके पश्चात 22वां वर्ष है भाग्योदय का वर्ष है, उसके पश्चात 32वां वर्ष है भाग्योदय का वर्ष। तो इस तरह से आपको हमने जानकारी दी मुख्य ग्रह के बारे में, आप इष्ट देवता के बारे में, आप भाग्य के कौन से वर्ष हैं वो धनु लग्न के जातक के बारे में हमने बताया। इस तरह आपने मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिए, जब भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।